नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा डेयरी इक्विपमेंट्स पर। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से सामान जो है यहां पर उपलब्ध है, यहां पर किसानों के लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी डेयरी से रिलेटेड जो है सामान चाहिए वह जो है इस गंगा डेयरी इक्विपमेंट्स पर उपलब्ध रहता है। अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, तो यदि आप अपने डेयरी फार्म में फोगर लगवाना चाहते हैं या हाई स्पीड का पंखा लगवाना चाहते हैं या स्टीम बॉयलर लेना चाहते हैं या मिल्क एनालाइजर लेना चाहते हैं, मैट लेना चाहते हैं, यानी कि ए टू जेड हर सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध रहता है। और खास बात यह है कि यहाँ पर सर्विसिंग भी अच्छा जो है प्रोवाइड कराया जाता है गंगा डेयरी इक्विपमेंट्स के द्वारा। तो काफी खास जो है जानकारी जो है इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम सर से लेते हैं। सर, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मेरा नाम दीपक यादव है, मेरे फर्म का नाम है गंगा डेयरी इक्विपमेंट एंड सर्विस, और मेरा फर्म है बनारस चौका घाट संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय गेट नंबर 2, स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पशुपालकों के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स आप जो है रखते हैं? सर, डेयरी के संबंधित लगभग हमारे पास सभी आइटम मिल जाते हैं, जैसे मिल्किंग मशीन, क्रीम सेपरेटर या खोया बनाने के लिए खोया मशीन, बॉयलर, मिल्क एनालाइजर, काऊ मैट, मतलब ए टू जेड सभी सामान अपने पास गाय के संबंधित मिल जाते हैं। पशुपालन हम 7 साल से काम कर रहे हैं जी जी। और इस क्षेत्र में हमें करीब 2014 से इस लाइन में हम काम कर रहे हैं और 2018 से हम यहाँ पे व्यक्तिगत शॉप डाल के यहाँ पे हैं जी। काफी अच्छा रिव्यू रहा है। तो एक समस्या होता है सर कि लोग सामान तो खरीद लेंगे, बहुत सारे मशीनरी ऐसे सामान है जिनका सर्विस नहीं मिल पाता है, आप क्या? देखिए, इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे सर कि गंगा डेयरी इक्विपमेंट एंड सर्विस का मेन जो काम है वो सर्विस का ही है जी। और हम बताया ना कि 2014 से हम काम कर रहे हैं, इससे पहले हम किसी कंपनी में काम कर रहे थे जी जी। जिसके थ्रू हम लोग जानकारी इकट्ठा किए, काम सीखे, फिर उसके बाद आप जैसा कि अभी देखिए आप आज आए हैं, अभी हमारे यहाँ एक मशीन आई हुई है सर्विस करने के लिए, हम लोग अभी मशीन ही सर्विस कर रहे थे जी जी। तो हमारा मेन काम सर्विस का है और सर्विस के लिए ही हमें कस्टमर जानते हैं और सर्विस के लिए कस्टमर हमको पहचानते हैं, उसकी के लिए हम जाने जाते हैं सर जी जी। मेरा मशीन तो बाहर से लोग ले लेते हैं सस्ते रेटों पे, लेकिन सर्विस नहीं मिल पाती है। हमारे यहाँ सेल और सर्विस दोनों काम होता है जी। सही रेटों रेट पे हम लोग कस्टमर को मशीन भी प्रोवाइड करवाते हैं और देते हैं, और साथ साथ में हम लोग सर्विस भी देते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का मशीन रहे चाहे कोई सा भी मशीन रहे जी जी। कहाँ कहाँ सामान सर पहुँचा सकते हैं? सर, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये हम 4 राज्य में बहुत बढ़िया काम करते हैं सर। सामान लेने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सर, इसके लिए कस्टमर कुछ पेमेंट करवा देते हैं, बाकी हम लोग बाई ट्रांसपोर्ट से माल भिजवा देते हैं सर, बाकी सामान वहाँ ट्रांसपोर्ट पे पहुंचने के बाद बाकी पेमेंट सर करवा सकते हैं। अगर कोई चाहेगा कि हम थोड़ा सा भी पैसा ना दे आपके शॉप पर आकर? हाँ, ये इसके लिए वेलकम है सर, इसके लिए हम अपने शॉप पे भी बुला सकते हैं, अपना यहाँ पे आशापुर में फैक्ट्री है वहाँ पे भी बुला सकते हैं, दोनों जगह पे आके अपना वो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने सामने मशीन चेक करके अपना ले जा सकते हैं सर। तो कुछ जो डेयरी इक्विपमेंट्स है सर उसको थोड़ा दिखा दीजिए। सर, सबसे जरूरी चीज है सर मिल्क एनालाइजर। आज के समय में अगर कोई किसान छोटे स्तर से काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले मिल्क एनालाइजर देते हैं जी जी। क्योंकि आज के समय में किसान अगर दूध का व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये हमारी छोटी सी मशीन है, ये 3200 रुपए की पड़ती है और ये 3000 रुपए का, ये दोनों सेट 3500 रुपए में हो जाता है, जिससे कि कस्टमर ये खरीद के और अपना 1500 रुपए का पर डे का आमदनी कर सकता है, जिससे कि अपना ये दूध फैट पे किसान से खरीदा और ले जाके बड़ी कंपनियों को बेच दे, आराम से 2-4 रुपया ये अपना लीटर पीछे रख के काम कर सकते हैं। तो थोड़ा मशीन के बारे में बताएं, कौन मशीन क्या है? सर, ये मिल्क एनालाइजर है, ये 25 सेकंड में अपना दूध को एनालाइज कर देती है, इसमें फैट, SNF, SLR, प्रोटीन, रेट सब कुछ आ जाता है, ये 25 सेकंड में रिजल्ट दे देती है, इसमें रेट और सब आ जाता है। और ये स्टरर होता है, इसमें ये प्रिंटर है, यहाँ से प्रिंट भी निकल जाता है, ये सब कुछ एक ही मशीन के अंदर में है जी जी। और ये उसी का छोटी मशीन है, मतलब उसी में इसमें कुछ ज्यादा फीचर है, इसमें कुछ कम फीचर है, ये भी वही सेम चीज है, लेकिन ये सिर्फ डिस्प्ले पे दिखाती है, इसमें आपका डाटा आपका स्टोर भी होता है, आप चाहे तो 1-2 महीने बाद उस डाटा को चेक कर सकते हैं, इसमें आपका पर्ची भी निकल जाता है। तो क्या उसका कॉस्ट पड़ेगा सर? सर, ये आपका 58,000 रुपया का है और ये स्टरर के साथ 35,000 रुपया का। जैसे देखिए आपका 25 सेकंड में वो आ गया, अब इस तरीके से प्रेस करेंगे आपका पर्ची आ जाएगा, देखिए वहाँ पे आपका
ये पर्ची आ गया। अब यहाँ पे आप किसान को पर्ची बिल्कुल आराम से लेके दे सकते हैं। हाँ, नहीं ये किसान को आप पर्ची दे सकते हैं इस तरीके से। इस पे आपका फायर टेस्ट सेलर रेट सब आ जाएगा सर इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास मैट है, क्रीम सेपरेटर है, और हम लोग इस समय स्टीम बॉयलर चल रहा है जिससे खोया बनाने के लिए, रसगुल्ला बनाने के लिए, पेड़ा बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए गैस की लागत कम आती है। गैस वाली भी खोया मशीन है अपने पास, स्टीम बॉयलर भी है। ये सब बहुत तेज मार्केट में चल रहा है जिससे कि किसानों का काफी अच्छा साबित हो रहा है। तो मैट का जो रेंज है सर, मैट अपने यहाँ सर 1400 रुपया से स्टार्टिंग है। 1400, 1850, 2800, 2300, 3200 कई अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग साइज होगा सर। सबसे मिनिमम जो साइज है वो 4x6.5 है, और जो मैक्सिमम साइज है वो 8x5 है। तो गारंटी वारंटी की सर मैट की 1 साल की गारंटी है, जैसे कुछ मैटों की, और टर्म एंड कंडीशन के ऊपर है जी, जी, जी। कि कौन सा कस्टमर मशीन कोई गारंटी नहीं है सर, उस पर कोई गारंटी। कितना रेंज से गारंटी मिलना शुरू? सर मिनिमम 2300 रुपया से स्टार्टिंग पे गारंटी मिलती है सर। तो एक पीस का बता रहा है ना? हाँ, 2300 रुपए मिलेगा तो उनको और डिस्काउंट हो सकता है सर। जी जी जी। और कुछ? और सर हमारे पास गाय के सजावट के लिए, उनके लिए मोहरी है, रस्सी है, ब्रश है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए है, दूध कैन है, ये सब चीजें है अपना पास। छोटे मोटे फावड़ा है, प्लास्टिक के भी फावड़ा है, स्टील के भी फावड़े हैं, ये गोबर ओबर हटाने के लिए तबेला वबेला में जी, बहुत जी। ही हल्का होता है, बहुत ही मजबूत होता है, काफी हैवी होता है जी जी जी। गोबर ओबर हटाने के लिए बहुत आसानी होती है। रेंज थोड़ा सर ये 150 रुपए का है, ये 200 रुपए का है, स्टील का है जो 400 रुपए का है, सब अलग अलग रेट में है सर जी। और ये जो इस सब का रेट बता दीजिए सर, उसमें 50 रुपए का भी है, 60 रुपए का भी है, 100 रुपए का भी है, सब अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग के हिसाब से हैं सर। यानी कि किसानों की छोटी जरूरतों को ध्यान में रख करके आप ए टू जेड जो है सामान उपलब्ध करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आपके बिहार में और अपने छत्तीसगढ़ झारखण्ड में मिल्क एनालाइजर और बॉयलर का ज्यादा से ज्यादा काम होता है सर। गर्मी के सीजन में हम लोग सर फुहारे लगाते हैं और फैन भी लगा रहे हैं। अब जैसे समझ के गर्मी का सीजन शुरू हो रहा हो, उसके लिए हम लोग ये फॉगर लगाते हैं। अपने पास 40 इंच और 48 इंच 36 इंच का डेरी फैन भी है, तो वो सभी लगाते हैं। अब ये तो आपका होली के बाद से इसका सीजन शुरू हो जाएगा सर। फोकर का कितना फिट क्या है सर? वो लंबाई गुड़े चौड़ाई के ऊपर एस्टिमेट होता है कि कितना किसान का कितना लंबा चौड़ा डेयरी फार्म है। जैसे किसी किसान का 20 फीट लंबा चौड़ाई है, 50 फीट लंबाई है, किसी का 100 फीट है, किसी का 40 गाय का है, तो जो लंबाई चौड़ाई बताएंगे उसके हिसाब से हम लोग खर्चा लगाते हैं। 10 गायों के लिए किसी को लगवाना होगा तो सर देखिए आप अभी आप बताए ना कि 10 गाय के लिए, 10 गाय का हमें अंदाजा नहीं है कि आप कितनी जगह में बांधते हैं। 10 गाय को कोई किसान जिनके पास जगह कम है वो 20 फीट में बांध सकते हैं, किसी के पास जगह ज्यादा है तो ज्यादा में भी बांध सकते हैं। तो एरिया जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम रेट नहीं बता पाएंगे सर। तो मिनिमम सेट करने में ये 250 रुपया पर पीस आता है, बाकी अगर छोटा मोटा देखा जाए सब जोड़ के तो 8000, 10000, 12000, 14000 लगभग खर्चा आ जाता है। मिनिमम 8500 रुपए से स्टार्टिंग होता है सर। जी जी। माने 8 से 10 छोटा डेयरी फार्मर आ जाएगा बिल्कुल आराम से 8 से 10 हजार रुपया में फॉगिंग सिस्टम आ जाएगा, जिससे 10 से 15 डिग्री तक टेम्परेचर कम हो जाता है और पशु कम बीमार होते हैं, जिनसे उनका दूध का मेंटेनेंस रहता है, बीमार उनका नुकसान भी कम होता है सर। तो पंखे का रेंज क्या होगा सर? पंखा सर 8500 रुपए से स्टार्टिंग है, करीब 20 से 25 फीट तक का रेंज देता है, हवा देता है। जो गमले देख रहे हैं सर वो क्रीम निकालने की मशीन का है। जैसे अगर किसी को पनीर बनाना है, खोआ बनाना है, तो कुछ लोग दूध से क्रीम निकाल के कुछ अपना काम करते हैं, तो घी बनाने के लिए और पहले दूध से क्रीम निकाला जाता है, फिर उसके बाद घी बनाना होता है, तो क्रीम निकालने की भी मशीन है। तो अपने पास डेयरी के संबंधित सारे आइटम है, अपना गंगा डेयरी के नाम से इंडिया मार्ट पे भी हर जगह पे है अपना। ये देख सकते हैं ये कैटलॉग है, और ये अपना पीछे का मैट वेट का डिटेल है सर, और ये अपना किमन का है सर। ये जी जी। और जो कैनोन है सर उसके बारे में? सर कैन अपने पास नील कमल का है, प्लास्टिक में जो नील कमल कंपनी आती है उसका हमारे पास कैन मिलेगा 40 लीटर का, और एल्युमिनियम में बिमल कंपनी का मिलेगा ISI मार्क। जो प्लास्टिक का होगा क्या रेट? सर वो 1450 रुपए का है, और जो एल्युमिनियम का है वो 3600 रुपए का है सर। 3600। हाँ, ISI मार्क होगा 6.5 किलो के भी। सर ये अपना पास सबसे छोटा पशु जो किसान होते हैं, जो बल्टाहारा होते हैं, जो भाम किसान उसान जाते हैं, उनके लिए हमारे पास ये लैक्टोमीटर है, जो लैक्टोमीटर लेके अपना दूध नाप सकते हैं कि उसमें कितना पानी मिलाया गया है, उसके लिए भी है। और ये आपका दूध का टेम्परेचर, जैसे अपना जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है, जिनको खोआ बनाना है, पनीर बनाना है, तो दूध का टेम्परेचर का पता नहीं चलता कि नहीं यहाँ कितने टेम्परेचर पे हमको पनीर बनाना है, कितने पे खोआ बनाना है,
क्या कितने पे हमको क्या करना है, तो इससे आप अपना दूध का टेम्परेचर नाप सकते हैं। क्या रेंज होगा सर? सर ये 150 रुपए का है, ये 50 रुपए का है, 60 रुपए का है, लैक्टोमीटर 50 से 60 रुपए का है, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, जी जी तीन रेट में है सर। चलिए काफी अच्छी जानकारी सर आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, धन्यवाद।